लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच रार बढ़ती ही जा रही है। इन सब के बीच नवजोत सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सिद्धू ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, राहुल गांधी से मुलाकात की, उन्हें अपना पत्र सौंपा, उन्हें स्थिति से अवगत भी कराया। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू का विभाग बदल दिया है, इसी के चलते वे नाराज चल रहे हैं। इससे पहले बीते हफ्ते भी सिद्धू राहुल से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन दो दिन तक इंतजार करने के बाद भी राहुल ने उनसे मिलने का समय नहीं दिया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। इसी के तहत उन्होंने सिद्धू से स्थानीय निकाय और पर्यटन व सांस्कृतिक मामले विभाग वापस लेकर उन्हें बिजली व अक्षय ऊर्जा विभाग सौंपे हैं। सिद्धू ने अभी तक विभाग का कार्यभार नहीं संभाला है। वहीं दूसरी ओर सिद्धू के दिल्ली पहुंचने से पहले इस पूरे मामले की रिपोर्ट पंजाब से आलाकमान को दे दी गई थी। रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक और झटका दिया है। उन्होंने 8 समूह बनाए हैं जिनमें से किसी में भी सिद्धू को शामिल नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़।